सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर के शाहबाद में रैली की। रैली में अब्दुल्ला आजम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उन पर ज्यादती की। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी से बदला लेने का टाइम आ गया है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रामपुर में विजय यात्रा भी निकाली। यहां भारी जनसैलाब उमड़ा देखकर अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ी जीत रामपुर से होने वाली है। वहीं बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए बोले कि झूठे मुकदमे लगाकर 2 साल तक जेल में रखा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ये चुनाव आजम खान के बिना चल रहा है, अगर आज वो होते तो ये चुनाव अलग तरीके से होता। आज जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला तो आ गए हमारे बीच में, 2 साल इन्हें परेशानी में उठाना पड़ेंगे। बताओ 2 साल इन्हें झूठे मुकदमों में रहना पड़ गया। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बिना हमारा चुनाव ये चल रहा है। वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता, झूठे मुकदमों में जेल चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मतदाता कभी अच्छे कामों को नहीं भूलते हैं, अच्छे इरादों को नहीं भूलते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प लेकर आगे काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पर निशान साधते हुए पीएम बोले कि विरोध करने वालों का फॉर्मूला है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। पूरे देश में कांग्रेस की ये नीति रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि माफियाओं को चुन चुन कर समाप्त किया है। भाजपा ही है जो माफियाओं को जेल भेजती है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में ही सपा आरएलडी का सफाया हो चुका है। वहीं एक मौका और मांगते हुए कहा कि एक मौका और दे दो, यूपी को देश में सबसे पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में रैली की। उन्होंने ददरौल विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मजहब की बात करते हैं और हम विकास की बात करते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस सिर्फ परिवार के लिए जीने वाली पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि आज प्रदेश में दंगाई दंगा करने से डर रहे हैं, यूपी से अपराध को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। सरकार के एक हाथ पर विकास है, विकास की छड़ी है, तो दूसरे हाथ पर बुलडोजर का लेबर भी है। सरकार का बुलडोजर पसंद आया ना? ये सड़क भी बनाता है और माफियाओं की छाती पर चढ़ने का काम भी करता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज वर्चुअल रैली की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने लिए 16,000 करोड़ रुपए में जहाज खरीद रहे हैं, लेकिन गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपए बकाया है, उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी ने हमला करते हुए कहा कि युवा बेरोजगारी से परेशान है और कारोबारी गलत नीतियों से परेशान है। हिजाब विवाद का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हिजाब उनका फंडामेंटल राइट है, ये मुस्लिम धर्म में पहले भी था और अब भी है। बीते दिनों पहले भी एएमयू में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इसे काबू में कर लिया था। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं ने 12 फरवरी को प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। ये एक प्रोटेस्ट है जिसमें हमें बस ये प्रूव करना है कि ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें राइट होना चाहिए कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, तो जैसा भी हम चाहें फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम हमारे पास है, लिबर्टी है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, तो इसमें हिजाब भी आता है बस। बलिया के बैरिया से बीजेपी के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह का टिकट कटने के बाद से उन्हें बिहार की मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज सुरेंद्र सिंह ने बैरिया सीट से नामांकन दाखिल किया है। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए सुरेंद्र सिंह बोले कि वहां स्वाभिमानी सवर्णों का स्थान नहीं है, पैर छूने वालों का स्थान है। भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमानी सवर्णों का कहीं कोई स्थान नहीं है, पैर छूने वालों का स्थान है। जो सवर्ण पैर छुएगा अमित शाह जी का, जो सवर्ण बंसल जी का पैर छुएगा उसको टिकट मिलेगा, लेकिन बलिया की धरती पर पैदा हुआ सुरेंद्र किसी का पैर छू करके और चाटुकारिता करके राजनीति करने वाला नहीं है। उन्नाव में 2 महीने से गायब युवती का शव मिलने के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के परिजनों ने उन्नाव के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख प्रशासन ने सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। वह इस मामले पर सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि नई सपा है, लेकिन ये नई नहीं बल्कि वही पुरानी सपा है। उसकी माँ उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब
उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? जिसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था।